yourself okay so the first thing what they would do is they would try to convince him for three days ki, you know are you all right or whatever try to understand the situation ki hai. eventually after three days then they will call into the relatives ki se baat karo, his friends then after a month they'll say ki, okay he is not getting back he's depressed and all after six months it'll be over nobody will respect him everybody will forget what he did for 40 years and they'll jump onto the conclusion what he's doing now. I think that is difficult. See, uh, it's pretty sad, but it's the reality of society that men will be only valued when they are earning. अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो उनकी इस समाज में तो इज्जत नहीं हो सकती क्योंकि उनको क्या बोला जाएगा कि नकारा है निकम्मा है नालायक है उसके जहन में क्या चल रहा है उसके पीछे क्या है वो परेशान है उदास है किसी चीज़ को लेकर जीहत में है फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये बहुत बहुत सैड है हाउ हाउ डिड यू कम टू दिस थिंकिंग हाउ हैव सीन हाउ हैव यू एक्सेप्टेड मेन इफ 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 योर मेन वाज इन दैट सिचुएशन वुड यू एक्सेप्ट हिम ऑब्वियसली हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन सी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि ये कहे कि मैं क्यों कमाऊँ अगर मैं शादी करके आई हूँ एज अ गर्ल वी ऑलवेज डिमांड की इफ़ वी आर गोइंग टू अनदर फैमिली वी आर लाइक गेटिंग मैरिड टू समन तो एट लीस्ट ही विल बी एट अ प्लेस एट अ पोजिशन जहाँ पे वो एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहा है अगर वो नहीं कमा रहा है तो क्या हम शादी करेंगे मे बी नॉट एक शादी के टाइम पे सबसे पहला यही देखा जाता है कि लड़का नौकरी क्या करता है लड़का कमाता कितना है लड़के के पीछे प्रॉपर्टी कितनी है बैंक बैलेंस कितना है उसके घर में कितने लोग हैं क्यों एक थॉट होता है जो मैं पेरेंट्स का कंसर्न मानती हूँ कि हाँ उनकी बेटी सुख में रहेगी खुशी से रहेगी बट लड़कियों के अंदर एक जहन में एक बात रहती है कि आदमी है ना कमाएगा हमें ज़रूरत क्या है कमाने की बल नहीं है एंड आई डोंट नो वाई आई केम टू दिस बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें हर्ट करने लगी हम हमेशा एक बात कहते थे हमने लोगों को एक कहते सुना है कि अगर किसी के बारे में जानना है या फिर उसकी पोजीशन के बारे में या उसके मन के बारे में जानना है तो अपने आप को उसकी जगह रख के देखो तो मैंने वही किया मैंने अपने आप को एक आदमी की जगह रख के देखा मैंने देखा कि वो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और एक उफ तक नहीं करता मैंने देखा कि वो पूरे महीने कमा के लाता है अपने लिए कुछ नहीं कुछ भी नहीं खर्च करता वो कमाता है ताकि उसका घर चल सके वो अपनी जिंदगी जैसे कहते हैं वो दे देता है दूसरों के लिए और हम एक थैंक यू भी नहीं बोल पाते ट्रू हाउ डू यू सजेस्ट वन शुड कम टू दिस थिंकिंग एज वेल बिकॉज इफ सॉर्ट ऑफ इफ्टुमन थिंक इन दिस कॉन्टेक्स एज वेल टू बी दैट सपोर्ट फॉर द अदर पर्सन इट्स गोइंग टू मेक ऑफ डिफरेंस See it is just you have to respect a person if a woman is in love she demands respect then it's a woman's responsibility to give respect as well and i am not saying that uh, i want to change the world i'm just saying ki change yourself true i think a relationship also majorly demands Time as well, right? And a lot of sacrifices too, because a true relationship at the end of the day is two imperfect people refusing to give up on each other. Even if the world is against them. Somewhat, something just makes them stick to it. What do you think about relationships? See, you that. ये कभी भी एक तरफा नहीं होता लेकिन प्यार हमेशा एक तरफा होता है सच में हाँ How? आपने कभी माँ का प्यार देखा है आप जितना देखते हैं कि माँ आपके लिए अपनी जिंदगी दे रही है सुबह उठती है खाना बनाती है आपके लिए लॉन्ड्री करती है आपके लिए चीजों को मैनेज करती है आपका आपकी पूरी जिंदगी मैनेज करती है फ्रॉम द टाइम जब आप उनके पेट में थे शी वॉज प्रेगनेंट टू टिल नाउ उन्होंने कितना किया है कितनी रातें जाग के lot लेकिन क्या आपको लगता है कि जब उनको हमारी जरूरत होगी तब आप उतना उनके लिए खड़े रह पाओगे नहीं we'll नहीं नहीं हो पाएंगे. नहीं हो पाएंगे अगर आज भी अपनी जिंदगी में आप एक रियलिटी चेक देखना हमारे पेरेंट्स दो दिन बीमार पड़ जाएंगे या तीन दिन बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग परेशान हो जाते हैं हम ये कहने लगे खा लो यार फ्रूट्स खा लो इतनी चीजें रखी दवाई टाइम पे लेते नहीं हो आप ख्याल रखते नहीं हो वी स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल फॉर एवरी लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते हम ये नहीं देखते कि सामने वाले इंसान ने हमारे लिए कितना किया था माँ की बात कर रही हूँ अगर आज पेरेंट्स बीमार पड़े हैं हम नहीं उनके लिए उतना खड़े रहेंगे लेकिन जब हमको बुखार चढ़ा था तो माँ ने अपनी रातें जाग के निकाली थी हमारे सर पे गीली पट्टियाँ करने में